नेशनल पार्क में हम लोग सफारी कर रहे हैं। हाँ जी, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। क्या है जो बैठा हुआ सारा एडवेंचर में देखो मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और बड़ा ही रात को बहुत ठंड थी यहाँ पर। एंड हम दोनों अब नहा धो के रेडी हैं क्योंकि क्या नाम है, मनोज भाई एंड अनिल भाई तो ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुँच गए वही रात वाली जगह। बड़ा अच्छा खासा माहौल था वहाँ पे, म्यूजिक व्यूजिक और खाना वाना बड़ा अच्छा टेस्टी था। कभी आओ तो आप भी ट्राई कर सकते हो। बाकी बड़ा अच्छा लगा शाम को वहाँ पर। अभी हम फिर से वहाँ पर वहीं पर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑलरेडी जा रखे हैं अनिल और मनोज तो। बाकी कॉटेज बड़ा शानदार है भाई, ये मस्त है बिल्कुल। ठंड जरूर थी रात में, ठंड थी काफ़ी। हमारा सफारी का प्लान है वैसे, सफारी के लिए जाएंगे हम लोग दोपहर में। देखते हैं शेर वेर दिखता है नहीं दिखता और जिम कॉर्बेट कैसा है। टीवी पे तो बहुत बार देखा है मैंने, बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं, लेकिन आंखों से देखने का तो अलग ही वो है क्या नहीं किशोर भाई? किशोर भी रेडी हो चुका है एंड अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो दोनों वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से वहाँ पर। सो चलते हैं ब्रेकफास्ट करके आते हैं। और दोस्तों मजा आ गया जिम कॉर्बेट में। बस ये देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे रुकने की जगह है, प्रॉपर्टी कितना अमेजिंग है। पेड़ पौधे मस्त बना रखा है सही में। पेड़ पौधे की जो जगह है वो सारी सजावट है। खजूर, खजूर देख रहे हो भाई, खजूर खजूर का दाना है। तो गाइस स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर देखो, और ये हॉस्टलर है, हॉस्टल वगैरह में रह सकते हो आप यहाँ पे। गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए, देखो पराठा ये पनीर का आलू का, और एम्बियंस बहुत अच्छा है इसका। सब अच्छे से दोस्तों, ये मनोज भाई हैं और ये बता रहे हैं कैसे फैट बर्न करना। दोस्तों यहाँ डिस्कशन क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ वेट कम करने का डिस्कशन चल रहा है, खाते खाते खा रहे हैं पराठे खींच खींच के, और डिस्कशन चल रहा है कैसे वेट कम हो सकता है। तो सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं। मनोज भाई ने तर्क दिया रात को खाना नहीं है, तो सुशील भाई कहते हैं रात को खाऊंगा नहीं तो नींद कैसे आएगी। सुशील भाई तर्क दीजिए। दिन भर खूब खाओ, खूब मेहनत करो। अच्छा, रात को अगर चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी खाओ, ऐसा आप एक महीना करोगे ना तो आपका बॉडी सस्टेनेबल हो जाएगा। ओके भाई साहब, आप बताइए फिर क्या क्या नींद नहीं आती, क्या होता है? भाई मुझे तो नींद नहीं आती, मैं खाना नहीं खाता जब तक। वो भी पेट भर के छह सात रोटी खाते हो क्या? 12 बजे दोबारा खाना पड़ता है। 12 बजे दोबारा खाना पड़ता है। मनोज भाई ने जुगाड़ अपना रखा है, ये नहीं खाते हैं। बताइए सर, बताइए। कोशिश करो कम से कम, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम आप एटलीस्ट ये करो कि इवनिंग का जो डिनर है उसे या तो जल्दी कर लो या उसे कम करो। भाई साहब आप लिक्विड डाइट लेने की कोशिश करो, सॉलिड डाइट मत। ठीक है, एटलीस्ट इवनिंग में। फेस की सुंदरता देख सकते हो आप। अरे ये लड़कियां फेल हो जाती हैं। भाई साहब देख रहे हो ये, अरे कॉफी बहुत पीते हैं, पता नहीं क्या है, कॉफी से इनको प्यार है। इनको कॉफी से प्यार है कि कॉफी से इनको प्यार है ये तो भगवान ही जाने किसको किससे प्यार है, लेकिन है जरूर। And I am going to open a restaurant. The name will be Miss Coffee. Miss Coffee. Miss Coffee. तगड़ा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, सब कुछ थोड़ा यूनिक तरीके से लगाया गया, कुछ डायरेक्ट नहीं है। जैसे लाइटिंग देते हो आप डायरेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं फंसा करके कुछ लगाया गया। दिखाओ दूसरी बार, दिखाओ कैसे फंसा रखा है हर जगह। और इस रेस्टोरेंट में मेन देखोगे तो ये मनी प्लांट ये है बहुत अट्रैक्टिव, और दूसरा जो इन्होंने पाइन का यूज़ किया हुआ, पाइन लकड़ी जो होती है ये पहाड़ों पर होती है और इसके रेशे बड़े होते हैं, इसमें पिंक पॉलिश करके लगा दिया जाता है तो रियली बहुत अच्छा होता है। और देख सकते हैं पाइन का इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। इसके बाद हम सफारी करने जा रहे हैं, सफारी हमने कर ली है बुक, और 5000 मुझे कुछ लोग 5500 मांगते हैं, कुछ 5000 मांगते हैं। तो एक जानकार है मेरा, उसने 5000 बोला, मुझे ये नहीं पता जानकार ने उसमें भी क्या है कुछ है, जो भी है मतलब 5000 वो बुक किया। अब हम 11:30 बजे निकलेंगे, 12 बजे और जाएंगे शेर देखने। फ्रेंड्स हम यही चाहेंगे शेर ना मिले, क्योंकि कई बार बताते हैं वो गाड़ी में फूट भी जाते हैं, उसका मूड खराब हो जाए तो
गाइज फाइनली हम निकल दिए जिम कॉर्बेट के लिए सफारी करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल गाइज आर वेरी एक्साइटेड। अभी हमें जाना है रामनगर, रामनगर से थोड़ा सा आगे हम रुके हुए थे, वहां से फिर हमें अनिल का कोई जानकार है उसके थ्रू वो ही बंदा हमें सफारी करा रहा है। वैसे ₹5500 सफारी बुक होती है 6 बंदों के लिए, लेकिन वो हमें ले जा रहा 5000 में। एंड बाकी आगे का आगे देखेंगे, पहले तो हमें जाना है सफारी करनी है। एंड सफारी के बाद आगे स्टे कहाँ करना है, आगे जाना है या फिर से यहीं आना है, वो हम शाम को डिसाइड करेंगे। तो अब मजा आने वाला है भाई जंगल सफारी का जिम कॉर्बेट में। आर यू रेडी फॉर जंगल सफारी? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। और भाई क्या ही व्यू आ रहा है, देखो सनरूफ का फायदा तो है, देखो कितना शानदार लुक आ रहा भाई। ऐसा लुक आता है ना जैसे हम पता नहीं अलग ही टाइप की गाड़ी में बैठे भाई। में कुछ हो ना हो सनरूफ जरूर होगा, क्यों ना साला कटवा के बनवाना पड़े ऊपर से। भाई अगली गाड़ी तो थार होने वाली है। थार? अब थार में सनरूफ नहीं है, थार में पूरा सनरूफ हो जाएगा, वो हटा लियो क्या बोलते उसको ऊपर का हटवा लियो उसका। बाकी गाइस वी आर वेरी एक्साइटेड, मनोज भाई जोके देते हुए हमारे बीच रामनगर से पहले मिलने वाले हैं जंगल सफारी के लिए बहुत ही एक्साइटेड पर्सन, बिकॉज वो थैले में ही बंद रहते हैं बेचारे, आज उनको जंगल में जाने का मौका मिल रहा है। जिम कॉर्बेट पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं जंगल सफारी करने। जिम कॉर्बेट मतलब जिम करते हैं नहीं, वो जिम नहीं करते हैं, मतलब जिम वो जिम नहीं है, ये जिम कॉर्बेट जगह का नाम है। ओहो, हम पहुंच चुके हैं। यस यस। तो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं सुशील भाई? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। तेरे भाई बंदों से मिलाने ले जा रहे तेरे को। ठीक है सुनो, मेरे साथ चलोगे ना मिलने? हो सकता है तुम्हारे राजा से भी मुलाकात हो। मतलब की जंगल का राजा कौन होता है? अच्छा हाथी जंग, शेर शेर ज्यादा ताकतवर होता है या हाथी? नहीं ताकत तो ज्यादा हाथी में। और बंदर में? बंदर तो एक नंदर होता है। सो गाइस फाइनली हम चल दिए जिम कॉर्बेट, तेल भरवा रहे हैं यहाँ पर। भाई दिस इज साइन ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री वी फॉर विक्ट्री, ऐसे एक उंगली का मतलब है? एक उंगली का मतलब मत पूछे तू, ये नहीं बताना होता कैमरे में। मनोज भाई बिल्कुल चमक रहा है, देखो लग रहा है गाड़ी भी अच्छी लग रही है। तो गाइस बहुत ही डेंस जंगल है और जंगल के बीच जाते हुए तो गाइस यहाँ लगी हुई है लाइन। अब भाई अनिल तू बता दे कि एडिट कैसे करना है। जिस नेशनल पार्क में हम लोग सफारी कर रहे हैं, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सबसे अच्छा रेशियो रखने वाला टाइगर के मामले में ये रिजर्व है। 2018 में जब यहाँ की काउंटिंग हुई थी तो 256 टाइगर काउंट हुए थे। 256 टाइगर्स? हाँ। अभी हर एक 4 साल में यहाँ पर रिजल्ट आता है। ओके। तो वो रिजल्ट नहीं आया 22 में, रिजल्ट आना बाकी है, उसके बेसिस पर अभी आगे की काउंटिंग बताई जाएगी। भाई अटैक वगैरह के कोई केसेस हैं क्या यहाँ पे? अटैक में अगर अटैक होता हाँ तो या तो प्रॉपर हमारे जोन या कॉर्बेट एरिया बंद कर दिया जाता सफारी के लिए। ओके। या फिर हम लोग कवर्ड जिप्सी मारते, कवर्ड जिप्सी जाल वाली जो होती है। आज तक ऐसा अटैक हुआ नहीं है सफारी में। ओके। 1936 से यहाँ सफारी स्टार्ट होना चालू हुई है। 1936 से? हाँ। भाई पॉसिबिलिटीज है आज शेर दिखने की है इस टाइम पे? देखिए जो मैंने बोला ना आप कोऑपरेट करेंगे, अगर हम कहीं पर रुके तो आप लोग उस समय पर साउंड ना के बराबर ही करेंगे, ऑब्वियस करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जितना हम जंगल को सुनेंगे उतना ही हमारे चांसेस ज्यादा बनते हैं टाइगर देखने के।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाइगर साउंड में इन सारी चीजों में निकलना पसंद नहीं करता। इवन जब गाड़ी चलती है उसका भी वाइब्रेशन होता है, तो वाइल्ड लाइफ जा करके कोर एरिया में चले जाती है, डेंस एरिया में चले जाती है, तो हमें स्पॉट नहीं हो पाती है। और मेनली जब टाइगर मूव करता है ना एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो हर एक वाइल्ड लाइफ इंडिकेट करते हुए एक दूसरे को पैनिक कॉल देती है। ओके, मीन्स अपने ही एक साउंड देगी एक दूसरे को, तो देन उसके बेसिस पर ही हमें पता लगता है इस एरिया में टाइगर है या नहीं। ओके, हिरन देख सकते हो आप, ये हिरन दिख रहा है हमें, ये देखो अभी जाता हुआ। हाँ भाई, लेफ्ट में इसे वाइल्ड लाइफ अपने डाइजेशन को फिट करने के लिए यूज करती है। वाइल्ड लाइफ डाइजेशन को फिट करने के लिए? क्या है भाई इस मिट्टी में, व्हाइट कलर की मिट्टी में नमक होता है, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती है। ओके, बाकी इवन टाइगर भी घास खाता है अपने डाइजेशन को सही करने के लिए। ओके, मीट हमेशा नहीं खाता हुआ ना? नहीं, जो उसकी डाइट होती है वो मीट की होती है। हाँ, बट जो क्या कहते हैं घास वगैरह खाता है ये इसी चीज के लिए खाता है। ये डाइजेशन प्रोसेस अच्छा करता है, मतलब घास में। देखा ना इससे पहले? हाँ, वो समथिंग 100 या 200 किलो का होगा। पीछे ले लो, पीछे पीछे। ये पेड़ दो जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक वाला, इसकी बनती है भाई बीड़ी। कौन से इस वाले की? और बीड़ी कभी नहीं पीनी चाहिए दोस्तों। हाँ, बीड़ी इज वेरी हार्म। ये जितने भी ब्लैक ब्लैक पेड़ लग रहे, जैसे ये है, ये वाला आपको जरूर पता होना, ये वाला है हार्मफुल नहीं होता, जैसे ये वाला है जरूर पता होना। एंड ये जो ये ब्लैक वाला पेड़ है, अलग से दिख रहे ना जो ब्लैक वाले, इन सब की बनती है बीड़ी। भाई रेंचो, हाँ, यार शेर का इंतजार कर रहे, कुछ पता लगा यार अपने दोस्तों से, पानी पीने कब आ रहा है वो? रात को आता भाई। रात को तो हम चले जाएंगे ना, हमारे पास मौसम खराब है, शेर सो रहा है, रानी उसकी सेवा कर रही है। भाई फोन वोन करो अपने यार दोस्तों को, हिरन विरन जो भी है आगे आ जाए यार, थोड़ा हमें दिखा दे अपनी झलक थोड़ी सी। ठीक है, मैं बात करता हूँ अभी। भाई आए नहीं, देख वहाँ हम इंतजार कर रहे लेकिन पानी पीने नहीं आया भाई अभी तक। सो गाइज, यहाँ पर हम अभी स्टे किया, हमने रुके हुए, और यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, सैंडविच वगैरह खा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। भाई आप भी ले लो। हमें कुछ तो दिखा यहाँ पर, देखो यहाँ देख सकते हो आप, ये नेचुरल जंगली है दोस्तों, ये नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हो, असली जंगल के है ये, देखो पानी पीने आए यहाँ पे। बहुत भी मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, ये देखो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ओहो, सो गाइज ऊपर जा रहे हैं अब हम, ये वॉच टावर है, ये आ गए हम वॉच टावर पे, तो अच्छी एंड लंगूर देखो उस पेड़ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे, एंड इधर अनिल भाई गाइड, भाई साहब ने बुला लिया हमें और हम जा रहे हैं वापस। बड़ा ही खूबसूरत है लेकिन यहाँ से नज़ारा, बाकी चलते हैं नीचे, अपना टाइम हो गया रुकने का, काफ़ी देर हो गई, घंटा भर हो गया हमको यहाँ रुकते रुकते। कितना बड़ा पेड़ है ये, और देखो यहाँ नीचे बिल्कुल हम ऊंचाई पे हैं अभी यहाँ पे, चलो चलते हैं नीचे भाई। कुछ ना कुछ होगा भाई, क्या भाई सिखा रखा है क्या इनको, एक एक ही मिल रहे हैं सब जगह, बुत बन के खड़े हुए हैं। आवाज आ ही है ना अभी, सो गाइज अभी तक तो हमें कोई खास दिखा नहीं है, हालांकि हमें हिरन दिखे हैं एंड एक सांभर दिखा है, दो हिरन दिखे, स्पॉटेड और एक नॉर्मल वाला हिरन था, बाकी जंगल जो है एडवेंचरस है, जंगल का अपना मजा है। अब जानवर दिखे ना दिखे भाई, जानवर में किसी का बस तो चलता नहीं है,
हमारी किस्मत में नहीं है अगर कोई जानवर देखना, खासकर शेर को, तो नहीं देख सकते। ज़्यादातर तो दिखते नहीं है, 1% 2% केसेस में दिखते हैं, जो हमें हो सकता है दिखे, हो सकता है ना दिखे। अभी तक तो दिखा नहीं है भाई, तो नहीं भी दिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन्जॉयमेंट जंगल का अपना ही है भाई, है कि नहीं मनोज भाई? बिल्कुल, जंगल सफारी का अपना मज़ा भाई, और हम सारे जंगल सफारी का मज़ा ले रहे। नहीं दिखा। कहाँ पर है? किस लकड़ी पे? कौन सी लकड़ी पे? भाई इसके ऊपर उल्लू बैठा है, देखो यहाँ पे दूरबीन तो ये है, ये देखो उल्लू बैठा है। अरे ये रहा देख इस पे, जो असली तो आईफोन का उल्लू है भाई, ये रहा, ये दिख ही नहीं रहा। अच्छा वो बैठा उस पे, बैठा देखो पूरा बड़ा उल्लू है यार ये तो। इसमें दिखा ना, इसमें ये उल्लू है भाई, छोटा सा दिख रहा है। देखो कुछ तो दिखाओ, मैं हमें दिखे हिरन तो ही बहुत दिख रहे बार बार। हाँ बार बार हिरन ही दिख रहे, इनको खाने वाला नहीं दिख रहा भाई, जब इतने सारे हो रखे। सो गाइस आप देख पा रहे हो ना, ये जो चिड़िया बैठी हुई हिरन के ऊपर, ये टाइगर की डेंटिस्ट है भाई, उसके दांत साफ करती है। ये देखो कैसे करती है भाई, बताना भाई। खा जाता होगा वो तो यार इसको, ये उड़ के देखो दूसरे के सर पे बैठ गई है। टाइगर से खाता नहीं है नहीं। क्या बोलते हैं इसको? रूफस ट्रिपाई। भाई किसी शेर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शेर पता नहीं कहाँ चुप के बैठा है, कुछ पता नहीं। देख पीछे से भी आ सकता है शेर इधर से, ये वाला देख भाई, ये 6 जनवरी की फोटो है, इसी एरिया का वहाँ का, मतलब भाई यहाँ पर इस जगह का देखो, यहाँ का अभी का लेटेस्ट, यहाँ पर ये टाइगर आसपास रहता है कहीं 100%। वीडियो लो अगर ले सकते हो आप, जूम कर दो। भाई 12 सिंह आए। नहीं क्या है भाई, ये मेल फीमेल हिरन, मेल वाला एंटीलर वाला। गाइस हिरन विरन तो बहुत सारे देख लिए हमने, ठंड हो रही थी, हिरन तो बहुत है यहाँ पर, शेर भी बहुत है, लेकिन हमारे नसीब में नहीं था शेर देखना, तो शेर तो नहीं दिखा हमें। बाकी जंगल बहुत खूबसूरत है ये। 75% में साल और सागवान है, इसमें साल की पॉपुलेशन ज्यादा है,
और 25% में मिक्स्ड फॉरेस्ट है, जैसे रोहनी हो गया। इसका क्या नाम है? स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर मेल, अभी निकल ही रहे थे इसके छोटे छोटे एंटीलर निकल रहे। हाँ, ये डियर हमसे दूर नहीं भाग रहा, इसका मतलब ये यूज टू हो चुका है, ये यूज टू, इसकी आदत पड़ चुकी है। ये हमारे भाई से इतना लड़ चल रही है, सारा एडवेंचर जो देखो ये तो कैसा कुछ माहौल, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जिम कॉर्बेट से घूम के वापस आ रहे, शेर तो मिला नहीं, हिरन वगैरह देखे हमने, दो चार और जानवर देखे, बाकी जंगल बहुत ही अच्छा था एंड एडवेंचरस तो ऑलवेज होता ही है, लेकिन अब ज्यादा एडवेंचरस हो गया मामला, चिल्ड हो गया वेदर, ठंड हो गई है भाई। सो गाइस शाम के 6:30 बज चुके हैं और सफारी हमारी खत्म हो गई, शेर नहीं दिखा हमें, कुछ जानवर दिखे, बाकी जंगल तो एडवेंचरस था, बहुत सुंदर जंगल है। बाकी अभी जब रिटर्न आए हम तो बहुत ही एक्साइटेड था, नाक मेरी दोबारा से बंद हो चुकी है बिकॉज ऑफ वो ऊपर बैठे हुए थे भाई, ठंडी ठंडी शीतलहर चल रही थी उसमें बड़ी भयंकर, और तबीयत थोड़ी सी बॉडी जो है अजीब सी वो कर रही है अभी रिएक्ट, अच्छा सा फील नहीं हो रहा है।